ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के साथ माता गर्जिया से आपकी अच्छी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों इस होली पर हम आपको ये उपाय बताने जा रहे हैं। ये तीन उपाय यदि आप कर लेंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा भी सदैव के लिए भाग जाएगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और आप अपने परिवार के साथ एक धन धान्य से भरपूर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। दोस्तों पहला उपाय है आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए। अगर आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना चाहिए। नारियल ऐसा हो जिसमें पानी भी हो। इसके साथ ही आपको उस नारियल में 10 के सिक्कों को 7 बार कलावे से बांध। अब इसके बाद आप नारियल को दोनों हाथों में लें और फिर उस नारियल को होलिका दहन के वक्त होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अब हम आपको घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का उपाय बताने जा रहे हैं। ये होली पे उन लोगों को करना है जिनके परिवार में आपसी कलह होती रहती है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो। ये कर लेंगे तो इस स्थिति में सुधार हो जाएगा। आपको करना ये है, आपको होलिका दहन के बाद होलिका की राख लेनी है और उसको एक कागज में लपेटना है और उसके बाद घर के किसी कोने में रख देना है। सिर्फ ये करने से ही आप देखेंगे कि आपके घर के सदस्यों में टकराव होता था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय उन लोगों को है जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा। आप होली पे ये उपाय करें, आपको इसका अगर बहुत समय से आप नौकरी में प्रमोशन का यानी तरक्की का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ये उपाय होली पे करना है। आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर 21 गोमती चक्र अर्पित करने हैं और दूसरे दिन उन्हें एक लाल कपड़े में बांध कर अपने घर की तिजोरी या फिर अपने ऑफिस की वर्क डेस्क यानी कि जहां आप काम करते हैं उसकी मेज के अंदर रख लेना है। इससे आपको बहुत लाभ होगा और कुछ समय पश्चात ही आपको तरक्की मिल जाएगी। दोस्तों ये तीनों उपाय होली से जुड़े हैं, आपको ध्यान रखना है। होली पे ही आप करेंगे तभी इनका आपको जैसे हमने बताया उस हिसाब से फल मिलेगा। बाकी आप भगवान माता रानी पर भरोसा रखे रहें, कर्म करते रहें, इन उपायों को आजमाएं, आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।